नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मवंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताऊंगा। आपके लाइफ में अभी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग लोग हैं। तो अगर उन लोगों में भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं तो उन लोगों को खुद से दूर मत जाने दो। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कोई वो ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है या फिर इतना भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो आपका पार्टनर है। यानी जो भी इंसान है, अगर उन लोगों में ये क्वालिटी है तो उन लोगों को खुद से दूर मत जाने दो। गाइस, सबसे पहली बात नेचर। यहाँ पर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊंगा। ये मत सोचो कुछ देर के लिए कि वो इंसान आपके साथ कैसा है, बल्कि ये सोचो कि वो इंसान दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, दूसरे लोगों से कैसे बात करता है, क्या दूसरे लोगों को भी रिस्पेक्ट देता है या फिर नहीं देता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन दूसरे किसी भी इंसान को वो वैल्यू नहीं देता है, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। यकीन करो, आने वाले दिनों में या तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दे या फिर वो आपकी भी डिसरिस्पेक्ट करे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी भी डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि एक इंसान के लिए वो अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता है, ज़्यादा दिनों तक वो खुद में बदलाव नहीं रख सकता है। इसलिए इस बात को समझो, उस इंसान का नेचर कैसा है दूसरे लोगों को लेकर, वो इंसान दूसरों को कैसे वैल्यू देता है, दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, वो एनिमल्स को कैसे ट्रीट करता है, वो अपने फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट करता है। इस बहुत लोगों की आदत होती है कि वो पीठ पीछे दूसरे लोगों की बुराई करते हैं। यानी अगर आपका पार्टनर भी या फिर आपका फ्रेंड भी ऐसा ही करता है, वो आपके मुंह पर, वो आपके फेस पर दूसरे लोगों की बुराई करता है, तो यकीन करो वो दूसरों के सामने भी आपकी बुराई करता है। सो यार, एक अच्छी क्वालिटी नहीं, एक रेड सिग्नल है। इसलिए अगर आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपके फेस पर किसी और की बुराई करते हैं, तो उन लोगों को धीरे धीरे अपने लाइफ से दूर जाने दो। उन्हें रोक कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन इसी बजाय अगर आपका पार्टनर या फिर आपका फ्रेंड दूसरों की काफ़ी तारीफ करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, दूसरों को सही से समझता है, तो यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने लाइफ में रखो, क्योंकि ऐसे लोग ही बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। यकीन करो, जब आपके लाइफ में बुरा वक्त आता है तो अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग आपके साथ होते हैं जो सच में आपकी परवाह करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को ही अपने साथ रखो। ज़्यादा बर्डन लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ने में समझदारी नहीं है। कुछ ही लोगों को अपने पास रखो। अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं। मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन जितने भी दोस्त हैं कमाल है। इसलिए यार, ज़्यादा दोस्त बनाने पर फोकस मत करो। मैंने एक बात सीखी है, क्वांटिटी पर फोकस करने से बजाय क्वालिटी पर फोकस करो। लेकिन कमाल की बात तो ये भी होती है, आप क्वांटिटी के साथ अगर क्वालिटी को भी मैनेज कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन लोगों के साथ ये बात काफ़ी कम अप्लाई होती है। इसलिए क्वालिटी पर फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने से अच्छा है कम से कम दोस्त बनाओ, लेकिन अच्छे दोस्त बनाओ। गाइस, जो दूसरी क्वालिटी है वो है, क्या वो इंसान सच में वैसा ही है जैसा वो आपको दिखा रहा है, जैसा वो आप उसे देख रहे हो। काफ़ी लोगों की आदत है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं, दोगले कहते हैं ऐसे लोगों को, कि वो फेस पर काफ़ी अलग होते हैं लेकिन उनके लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो बातें काफ़ी अच्छी करते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी सलाह भी देते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको वो मिसगाइड करते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अच्छा काम ना करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ो। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे समझो और अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने दो, क्योंकि मिसगाइड करने वाले इतने सही लोग होते हैं, इतने सही होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और इसी वजह से आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हो। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ मत रहो। आप समझो कि कौन आपको कैसी सलाह दे रहा है, कौन आपको कैसी एडवाइस दे रहा है, और खुद सोचो क्या वो एडवाइस सही है या फिर गलत है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये इंसान मुझे गलत एडवाइस दे रहा है,
क्योंकि यार आप इतने समझदार हो कि आपको अच्छे और बुरे का फर्क पता है। इसलिए आप ये सोचो क्या कोई आपको सही सलाह दे रहा है या फिर गलत सलाह दे रहा है। कभी कभी गलत सलाह भी कोई जानबूझकर नहीं देता है, लेकिन अगर आपको कोई जानबूझकर बार बार कोई गलत सलाह दे रहा है, आपके अंदर निगेटिविटी भर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को लाइफ से जाने दो। लेकिन कोई आपको अच्छे से अच्छी सलाह दे रहा है, कोई आपको समझा रहा है, डजंट मैटर कि आप उसे जानते हो नहीं जानते हो, आप उस इंसान के कितने ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहो जो आपको सही सलाह देते हैं, जो आपको मिसगाइड नहीं करते हैं। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, मिसगाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर गाइड करने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए इस पर फोकस करो कि आपको कौन प्रॉपर गाइड कर रहा है और कौन मिसगाइड कर रहा है, कौन आपको गलत रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है और कौन आपको सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।